दोस्तों फिलहाल तो बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने पूरे हिंदुस्तान की जनता को दीवाना बना रखा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है जो इससे पहले न तो कभी किसी फिल्म ने किया था और ना आने वाले टाइम में करेगी, क्योंकि गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। जहां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि गदर 2 फिल्म को आज सिनेमाघरों में 18वां दिन चल रहा है, लेकिन फिल्म की कमाई में हमें अभी तक कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। जहां दोस्तों फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आ रही है ऑडियंस को कि ये दिल कर रहा है कि सालों साल ये फिल्म सिनेमाघरों में चलती रहे। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान, जो कि साल 2023 के शुरुआत में ही 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके पूरे दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। तो पठान फिल्म अपने पहले 18 दिनों में इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही थी, और वहीं फिल्म गदर 2 अपने 18 दिनों में इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, कौन सी फिल्म आगे चल रही है, किसने मारी है बाजी, तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप शाहरुख खान और सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें फिल्म पठान की, तो पठान फिल्म की जितनी तारीफें करूं मैं कम है, क्योंकि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान 4 सालों के बाद वापसी कर रहे थे और शाहरुख खान के फैंस को फिल्म पठान का बहुत ज्यादा इंतजार था, और यही वजह रही कि जैसे ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म ने पहले ही दिन से इतिहास रचने शुरू कर दिए और बॉलीवुड के इतिहास की ये सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। अगर मैं बात करूं पठान फिल्म के पहले 18 दिनों के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो मैं आपको बताता चलूं कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसका बजट लगभग 250 करोड़ रुपए का था। फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी नजर आए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो पठान फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में 55 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन था 68 करोड़ रुपए का और तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 38 करोड़ रुपए। उसके बाद फिल्म का जो 10वें दिन का इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में कलेक्शन था वो 14 करोड़ रुपए का रहा था। 11वें दिन फिल्म ने कमाए थे 23 करोड़ रुपए और 12वें दिन फिल्म का दूसरे संडे का कलेक्शन था 28 करोड़ रुपए। उसके बाद जो 16वें दिन फिल्म की कमाई थी वो 6 करोड़ रुपए की थी और 17वें दिन यानी कि तीसरा फ्राइडे था फिल्म की कमाई थी 6 करोड़ रुपए की और 18वें दिन फिल्म पठान का तीसरा सैटरडे था तो फिल्म ने कमाए थे लगभग 11 करोड़ रुपए अपने तीसरे सैटरडे को। तो फिल्म की जो टोटल कमाई थी 18 दिनों में, और दोस्तों ये जो कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ हिंदी कलेक्शन की बात कर रहा हूं, 18वें दिन इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में 11 करोड़ रुपए कमाए थे फिल्म पठान ने, तो 18 दिनों में जो टोटल कलेक्शन था इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में फिल्म पठान का वो था 462 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों 462 करोड़ और यहां पे 18 दिन में फिल्म पठान ने कर लिए थे। अब दोस्तों मैं बात करूंगा गदर 2 की, तो दोस्तों गदर 2 की तो जितनी तारीफें करी जाए कम है, इस फिल्म की कमाई को जिंदगी भर याद रखा जाएगा क्योंकि किसी फिल्म ने इतना तूफान नहीं मचाया। दोस्तों पठान फिल्म ने कमाई जरूर की थी ये बात सच है, लेकिन इतनी भीड़ सिनेमाघरों में हमें देखने को गदर 2 के टाइम ही मिली है, क्योंकि पठान फिल्म के पास स्क्रीनें ज्यादा थी लेकिन गदर 2 के पास स्क्रीनें बहुत कम थी, लगभग 3800 स्क्रीनें थी। लेकिन गदर 2 ने जो सिनेमाघरों में रौनकें लौटाई है, जिस तरह से लोग फिल्म को देखने के लिए गांव से शहरों से ट्रक भर भर के और ट्रालियां भर भर के आए हैं, वो वाकई देखने लायक और काबिले तारीफ था। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से कहर बरपाया है वो वाकई शानदार है और देखने लायक है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि गदर 2 फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है अभी 18 दिनों का, वो वाकई अगर मैं यहां पे आपको एक बात में समझाऊं तो 18 दिनों में जिस तरह से गदर 2 ने अपनी कमाई की है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड के अंदर, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि गदर 2 अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी थी, जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए से भी कम का था। फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आए थे। फिल्म को इंडिया के अंदर सिर्फ 3800 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन जहां इंडिया के अंदर 40 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे, तो फिल्म का जो 3 दिनों का वीकेंड था सिर्फ इंडिया के अंदर वो 134 करोड़ 88 लाख रुपए था।
उसके बाद 10 दिनों में फिल्म गदर 2 ने 375 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई सिर्फ इंडिया से कर ली थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिल्म के 16 दिनों के टोटल हिंदी इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 439 करोड़ 95 लाख, जहां दोस्तों 439 करोड़ 95 लाख रुपए 16 दिनों में फिल्म गदर 2 ने इंडिया से कर लिए थे। तो वही फिल्म का जो 17वें दिन का कलेक्शन रहा, मतलब के तीसरे संडे का, वो रहा 16 करोड़ 10 लाख रुपए का। और आज है मंडे, यानी कि फिल्म का 18वां दिन है और आज मंडे का दिन है, तो फिल्म कमा रही आज लगभग 18वें दिन 6 करोड़ रुपए। तो फिल्म की जो टोटल कमाई है 18 दिनों की गदर 2 की इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में, वो हो चुकी है लगभग 462 करोड़ रुपए, 462 करोड़। तो यहां पे अगर पठान और गदर 2 को देखा जाए तो दोस्तों ये आंकड़ा बिल्कुल बराबर चल रहा है। जहां दोस्तों गदर 2 ने भी 462 करोड़ रुपए 18 दिनों में कमाए थे, तो फिल्म पठान भी 18 दिनों में 462 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी। लेकिन अब देखना यह है कि अपने लाइफ टाइम में जो कलेक्शन हिंदी भाषा में पठान फिल्म ने कर रखा है का, वो 526 करोड़ रुपए है। जा दोस्तों 526 करोड़ रुपए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या गदर 2 अपने लाइफ टाइम में हिंदी भाषा में पठान फिल्म के कलेक्शन को बीट करेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।